हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जिससे कहीं पे भी आपको दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले आपको आ जाना है icradmission.in। तो अभी ये ऑफिशियल है, सभी स्टूडेंट्स को मेल जा चुके हैं, काउंसलिंग ब्रोचर भी पब्लिश किया जा चुका है। 22 तारीख तक आपका एप्लीकेशन डिटेल आपको कम्प्लीट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है यानी ₹500 पे करना है, और 22 तारीख तक ही आपका चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है। आज 19 तारीख हो गई, 20, 21 और 22, 3 दिन का मौका अभी आपके पास और है अपनी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कंप्लीट करने के लिए, पीजी स्टूडेंट्स के लिए भी और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आ जाना है आईसीआर काउंसिलिंग वेबसाइट icradmission.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन इसके बाद आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे आ जाना है और इसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है आपके ईमेल आईडी के लॉगिन आईडी पासवर्ड की सहायता से। अब इसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर फॉर सीट अलॉटमेंट पे आ जाना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। पहले यहाँ पे मल्टीपल विंडो आज दोपहर में सभी स्टूडेंट्स को वापस से मिल गया और उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो एप्लीकेशन डिटेल में यहाँ पे आप अपना डिटेल मेंशन कर देंगे, यहाँ पे आपको अपना लैंडमार्क परमानेंट एड्रेस में, देन इसके बाद आपका जो अदर मोबाइल नंबर है उसको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद आपका फोटो जो आपने अपलोड किया था, जो सिग्नेचर अपलोड किया था, वो एज इट इज आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना 10th 12th ग्रेजुएशन का डिटेल्स और अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल्स अपलोड करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो आप स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देन इसके बाद कौन से ईयर में आपकी पासिंग है, तो ईयर ऑफ पासिंग में आप यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे मैं रेंडमली सिलेक्ट कर देता हूँ। देन इसके बाद कोर्स ड्यूरेशन, अब 10th का ड्यूरेशन 1 साल का है तो 1 साल कर दीजिए। परसेंटेज में मार्क्स आपके आते थे तो परसेंटेज कर दीजिए। कितना मार्क्स आपको मिला तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। देन इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आप कर देंगे तो परसेंटेज मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसके बाद आपके मार्कशीट में जो रोल नंबर है 8-9 डिजिट का जो भी होता है उसको आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। सेम चीज यहाँ पे आप 12th की डिटेल्स के लिए भी अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं इसको। चलिए, देन इसके बाद हमारा जो पासिंग ईयर है उसको हम अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे मैं रैंडमली कुछ भी कर रहा हूं, आप अपना अच्छे से करिए। ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे भी 12th का 1 साल, यहाँ पे भी परसेंटेज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कर देते हैं। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे हम रोल नंबर एंटर कर देंगे। देन इसके बाद ग्रेजुएशन की बात आती है, तो कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया उसका पूरा ये यूनिवर्सिटीज देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में नहीं मिलती है तो आप अदर पे कर देंगे, अगर मिल जाती है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, फिर इसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर वापस से आपको सेलेक्ट करना है तो पासिंग ईयर हम कर देंगे। कोर्स का ड्यूरेशन बीएससी एजी अगर आपने किया है, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, तो इन सभी का कोर्स ड्यूरेशन 4 साल का होता है। फिर इसके बाद सीजीपीए में हमें मिलती है, तो यहाँ पे CGPA हमारा कितना था वो हम कर देंगे। देन इसके बाद ये, अब यहाँ पे एक चीज लिखी है कि आपका जो CGPA है उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे CGPA अपडेट करेंगे तो वो अपडेट नहीं होगा। तो करना क्या है आपको, ट्रांसक्रिप्ट में जहाँ पे आपका CGPA लिखा है वहां पे परसेंटेज भी लिखा रहता है, तो वहां पे आप देख लें, अगर 7.8 है तो 78 या 79 आपका परसेंटेज हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसको सीजीपीए से हटा के आप परसेंटेज कर दें, मार्क्स ऑब्टेंड में ये रख दें, देन इसके बाद कितना आपका है वो रख दें। ठीक है, इसके अलावा आप
टोटल क्रेडिट को आपके ऑब्टेंड क्रेडिट से डिवाइड करेंगे तो भी आपका ये परसेंटेज निकल आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स और परसेंटेज के लिए इजी मेथड में बता रहा हूं। अब अगर आप क्रेडिट पॉइंट को डायरेक्टली टोटल क्रेडिट यहाँ पे अगर आपके पता है, टोटल क्रेडिट आपके मार्कशीट में लिखे रहते हैं ट्रांसक्रिप्ट में, तो टोटल क्रेडिट और ऑब्टेंड क्रेडिट भी अगर आप डालेंगे तो आपका परसेंटेज आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हमें रोल नंबर अपना डाल देना है, देन इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल्स, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल्स यहाँ पे हमें अपलोड कर देनी है। किसी भी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे एमएससी का 2 साल होता है, यहाँ पे भी परसेंटेज हम रखेंगे और यहाँ पे भी हम जो मार्क्स हमने ऑब्टेन किए हैं वो रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसका रोल नंबर डाल देते हैं। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो जो लास्ट सेमेस्टर आपके पास रिजल्ट का अवेलेबल है वही यहाँ पे डालना है। मान लीजिए आप अभी फोर्थ सेम में हैं, तो थर्ड सेम का जो भी रिजल्ट है थर्ड सेम तक का उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको अपडेट कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं, रिकन्फर्मेशन कर देते हैं। चलिए हम अब रिकन्फर्मेशन के बाद यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे एडमिट कार्ड इशूड बाई एनटीए। तो एडमिट कार्ड यहाँ पे आपको अपलोड करना है, एडमिट कार्ड में ओरिजिनल ही रहने देना है। यहाँ पे हम कुछ भी अपलोड कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर दिया। आपको क्या करना है, आपका जो एडमिट कार्ड है जैसा आपने डाउनलोड किया है सेम वैसा ही एडमिट कार्ड अपलोड कर देना है। देन इसके बाद एडमिट कार्ड का जो एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर वो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपका जो फाइल है वो अपलोड है, तो यहाँ पे आपका फाइल अपलोड हो गया है, इस फाइल को आप देख सकते हैं। देन इसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसमें आप अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं और जैसे ही अपलोड होगा यहाँ पे इसके बाद आपका 10th का सर्टिफिकेट का रोल नंबर आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमने अपलोड कर दिया। अब इसके बाद आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट है या फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो आपका पुराना भी चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। आपको क्या करना है, जो लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वही अपलोड करना है। अगर आपके पास एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप एनसीएल में नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पे फिर दिक्कत मिलेगी, ठीक है। तो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है तभी आप इसको अपडेट करें, बाकी एससी एसटी के पुराने सर्टिफिकेट में भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज आते हैं कि हमें लेटेस्ट चाहिए, नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको वापस से अपडेट कर दिया और आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है, इसको हमने अपलोड कर दिया। देन इसके बाद यहाँ पे ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ग्रेड कार्ड रिपोर्ट रिलेटेड टू क्लास 10th एंड 12th, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है दोनों, और 12th का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कि सर्टिफिकेट का मार्कशीट आजकल आने लगे हैं जिसमें सर्टिफिकेट भी लिखा रहता है ऊपर और नंबर भी लिखे रहते हैं वहां पे, तो आप वही अपलोड कर दें, उन दोनों जो पीडीएफ है उसको मर्ज करें और यहाँ पे अपलोड कर दें। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे 10th का सर्टिफिकेट हो गया, इसके मैंने अपलोड कर दिया। चलिए यहाँ पे इसका नंबर भी लिख देते हैं रैंडम, इसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, 10th और 12th का अपलोड हो गया। देन इसके बाद ग्रेजुएशन मार्कशीट, मार्कशीट क्या होती है, जिसमें आपके सारे नंबर लिखे हों सारे कोर्सेज के, जिसे हम ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, राजस्थान के स्टूडेंट्स जितने भी ग्रेड कार्ड उनको मिले हैं सभी को वो एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सारे पीडीएफ आप इकट्ठा करेंगे और उनको एक पीडीएफ बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। देन इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपकी स्टेट की जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर देना है हमें,
ये हमने अपलोड कर दिया, फिर इसका सर्टिफिकेट नंबर हम लिख देंगे, ये अपलोड हो गया मूल निवासी प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं। देन इसके बाद आधार इनरोलमेंट या फिर कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, बैंक की पासबुक अपलोड कर सकते हैं, या फिर कोई भी वैलिड आइडेंटिटी, पैन कार्ड हो गया या फिर कोई भी। तो यहाँ पे हम आधार अपलोड कर देते हैं अपना, आधार कार्ड। चलिए तो यहाँ पे हमने आधार इनरोलमेंट आधार नंबर यहाँ पे आप एंटर कर देंगे, उसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आप चाहे तो पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं या फिर जेपीजी फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। देन इसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट, पीसी या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे ध्यान में आपको ये रखना है कि जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो एमएससी की टीसी यहाँ पे अपलोड करेंगे, और जो पीजी के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी जो ग्रेजुएशन की टीसी है उसी को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं, चलिए इसको यहीं पे अपलोड कर देते हैं इसको। देन इसके बाद आपका जो एनरोलमेंट नंबर है उसको एंटर करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट स्कूल अटेंडेड। तो यहाँ पे आपको जो भी आपने लास्ट कॉलेज अटेंड किया है, लास्ट स्कूल या फिर कॉलेज, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो पीजी के स्टूडेंट्स जो पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको यूजी का अपलोड करना है, और पीएचडी के स्टूडेंट्स को अपना पीजी का। ठीक है, तो इसको भी हम अपलोड कर देते हैं, ये हमने अपलोड कर दिया। अब लास्ट यहाँ पे है स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको कुछ अपलोड नहीं करना है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी जॉब पे हैं। ठीक है, इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको अच्छे से देख के सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने ये डिटेल्स देख ली। अगर आप यहाँ पे कुछ एडिट करना चाहते हैं तो अभी इसके पहले ही एडिट कर लें। अगर आप एक बार इसको आई कंफर्म करके कंफर्म कर देते हैं तो आप इसको बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है, आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है और इस फॉर्म को अच्छे से देख लेना है कि कहीं पे कोई गलती है या फिर नहीं। अगर कोई गलती लगती है तो आप वापस से डैशबोर्ड पे जाइए, वापस से रजिस्टर फॉर सीट अलॉटमेंट पे जाइए, वापस से यहाँ पे जाइए, और देन इसके बाद आप अपनी जो डिटेल्स है उसको वापस से सुधार सकते हैं, नई फोटो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की, जहां से आपको अपना जो फॉर्म का प्रीव्यू है, जैसे ही आप सेव कर देंगे वैसे ही फॉर्म का प्रीव्यू मिलना शुरू हो जाएगा, और आपका एप्लीकेशन फीस पेमेंट वाला जो ऑप्शन है वो भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर आइडिया लग गया होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ अपलोड करने हैं और उनका सर्टिफिकेट नंबर क्या होगा। अगर आप 10th 12th के जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक साथ अपलोड कर रहे हैं तो आपको एक और डाउट आ सकता है कि हम यहाँ पे कौन सा सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करें, अगर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं और अदर जो डॉक्यूमेंट्स नंबर हैं, या फिर आप यहाँ पे एरो लगा सकते हैं, स्लैश लगा सकते हैं और इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। जब आपका अलॉटमेंट होगा तो उस टाइम पे एक बार और यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी, आपको वापस से अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स बोला जाएगा। यहाँ पे अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप उसको छोड़ दें, बट ये है कि जब आपका अलॉटमेंट होगा तब आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आई होप आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट समझ में आ गई होगी। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए तो ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। मैं आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल। सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।